नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और स्वागत है आपका तारीख की तस्वीर में। एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आपको बताते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में आज की तारीख में क्या कुछ खास है। तो आज के दिन सबसे पहले चलते हैं 2009 में लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर ओपनिंग मैच के दौरान 2009 के जो T20 वर्ल्ड कप्स थे उसमें ओपनिंग मैच के दौरान नीदरलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ था और वहां पर यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक बन गया था, रोमांचक और उसका अंत भी उतना ही बेहतरीन था। हुआ दरअसल ये कि नीदरलैंड की पारी के दौरान पारी के 14वें ओवर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। जिस तरह से इंग्लैंड की ने इस पूरे मैच पर अपना हाथ रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत जाएगी और अब महज जीत में उसे 7 ओवर और चंद विकेट ही बचे हुए हैं। लेकिन पारी के 14वें ओवर में रेयान आते हैं क्रीज पर और उसके बाद वहां से सब कुछ बदल जाता है, खासकर इंग्लैंड और स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए, क्योंकि यहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बार फिर से वर्ल्ड कप में हार वाली गलती कर दी थी। हुआ दरअसल यह कि इंग्लैंड की टीम के लिए यहां पर एक अच्छी खबर निकल कर आई कि जो टॉम डी ग्रूथ थे नीदरलैंड के लिए, जो सबसे ज्यादा रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, 49 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका विकेट गिर गया था। लेकिन टॉम डी ग्रूथ के आउट होने के बाद वहां पर रियान टेन आते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी पारी और पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। हुआ दरअसल ये कि उसके बाद उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज के साथ संभल कर खेलना शुरू किया और मौकों का फायदा उठाते हुए वो लगातार बाउंड्री भी लगाते जा रहे थे। नीदरलैंड की टीम को 47 रन चाहिए थे आखिरी के 7 ओवर में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस टारगेट को अंत में आते आते महज 4 रन और 3 बॉल पर छोड़ दिया। अब नीदरलैंड को फाइनल ओवर में 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और एक शॉट के बाद, रियान के एक शॉट के बाद गेंद स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ गई, लेकिन यहीं पर स्टुअर्ट ब्रॉड से गलती हो गई जहां पर उन्होंने रियान टेन का कैच छोड़ दिया। इस कैच के छूटने के साथ ही उन्हें 2 रन भी मिल गए और अंतिम गेंद तक आते आते इस मैच के नीदरलैंड को अब महज 2 रन चाहिए थे जीत के लिए। फिर क्या था, अंतिम गेंद पर रियान ने एक बार फिर से शॉट खेला, एक बार फिर से स्टुअर्ट ब्रॉड बॉल की तरफ लपके और बॉल को उठाकर उन्होंने विकेटों की तरफ थ्रो किया, लेकिन वहां पर गलती उनसे एक बार फिर से ये हो गई कि बॉल विकेट पर नहीं लगी और नीदरलैंड ने इस रोमांचक मैच में इंग्लैंड को उसी के घर में लॉर्ड्स के मैदान पर मात दी। इतना ही नहीं, 2009 के वर्ल्ड कप के बाद 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड की टीम ने इंग्लैंड की टीम को यहां पर 45 रनों से मात दी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन 5 जून को 1980 में इंग्लैंड के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक इयान बॉथम का जन्म हुआ था। इयान बॉथम अपनी कम उम्र में ही जितना कुछ उन्होंने हासिल कर लिया था वह सभी के बस की बात नहीं है। इयान बॉथम ने महज 24 साल की उम्र में इंग्लैंड की कप्तानी उनके हाथ लग गई थी और उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया जानने लगी थी। अब इयान बॉथम जिस दर्जे के खिलाड़ी हुआ करते थे उस छोटी सी उम्र में भी, कप्तानी मिलने के बाद किसी को भी इस बात से कोई संदेह नहीं था कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हुआ दरअसल इसका उल्टा ही। उस वक्त तक 24 साल की उम्र तक इयान बॉथम का करियर एवरेज बल्लेबाजी में 40 का था और गेंदबाजी में महज 18 का। इसीलिए जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो इस बात को लेकर इंग्लैंड के बोर्ड की उस वक्त तो किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन इयान बॉथम उस वक्त तक जितने महान खिलाड़ी हुआ करते थे उतने महान कप्तान नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 12 टेस्ट मैच खेले और उसमें इंग्लैंड को सभी टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा और यहीं से उनके करियर में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया। जहां पर बतौर खिलाड़ी इयान बॉथम बहुत महान हुआ करते थे, बतौर कप्तान उनके स्टैट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इतना ही नहीं, महज 24 साल की उम्र में इयान बॉथम को जब कप्तानी दी गई थी इसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि सभी को लग रहा था कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तानी देने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। इयान बॉथम ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर सबसे पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ कप्तानी करने उतरे थे और उसका असर ऐसा रहा कि आने वाली बाकी की सीरीज, जब बॉथम से कप्तानी छीन ली गई तो आने वाली बाकी की सीरीज में भी इंग्लैंड उस हार के आफ्टर इफेक्ट से निकल नहीं पाई। आने वाली सीरीज में भी इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-0 और उसके बाद अगली सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुल 14 मैचों के दौरान उसे हार का सामना करना पड़ा, एक में जीत मिली और एक भी मैच इंग्लैंड को जीत के तौर पर नसीब नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। तो आज की अगली खबर है एनरिक हॉलिस की। एनरिक हॉलिस वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1912 के दौरान
डॉन ब्रैडमैन। सर डॉन ब्रैडमैन को शून्य पर आउट किया था। उनके करियर के अंतिम मैच में उन्हें 3 डिजिट में अपने करियर एवरेज को खत्म करना था, लेकिन यहां पर एरिक हॉलिस ने उन्हें शून्य पर आउट कर दिया था, जिसकी वजह से डॉन ब्रैडमैन अपने करियर एवरेज को 3 डिजिट में नहीं पहुंचा पाए थे। और इसी वजह से एरिक हॉलिस का नाम क्रिकेट के इतिहास में अब सभी याद रखते हैं। लेकिन एरिक हॉलिस के करियर में यह महज वही एक गेंद नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। एरिक हॉलिस का करियर इससे कहीं ज्यादा था और एरिक हॉलिस इससे कहीं ज्यादा के लिए जाने जाते हैं। हुआ दरअसल ये था कि उनके करियर के दौरान इसके बाद भी उन्होंने कई सारे 5 विकेट हॉल लिए थे, और उस मैच में जिस मैच में डॉन ब्रैडमैन को सर डॉन ब्रैडमैन को उन्होंने शून्य पर आउट किया था, वो भी एक 5 विकेट हॉल वाला ही मैच था। तो फिलहाल के लिए आज की तारीख की तस्वीर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।